मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और 6 बज चुके हैं, तो सब बच्चे उठ चुके हैं सो के। दिन में सब सो गए थे, मैं नहीं सोई थी और ये भी सो चुके थे। और आज संडे है तो इसलिए सब घर पर ही है। और दो बच्चे उधर हैं, निखिल और सुभाष। तो मैंने मई के टाइम में एक रेसिपी शेयर की थी, मतलब मेरे ससुराल में बनाई गई थी मेरी सास जी औरों ने। तो मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि हमारे साथ भी ये शेयर करना। तो ससुराल में मीठा बनाते, नमकीन बनाते, उन्होंने कहा था कि मीठा बना के शेयर करना। तो आज मैं वही रेसिपी बना रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आटा मेरे पास रखा हुआ था, तो आज मैं वही रेसिपी बना रही हूँ और थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि इनके बगैर मैं वो रेसिपी नहीं बना सकती थी, थोड़ी हेल्प लगती है उसमें। तो और मैंने कभी अकेले में बनाया भी नहीं है, जब भी बनाया है या देखा है तो ससुराल में ही। और जब मैं देहरादून में रहती हूँ तो मैंने यहाँ कभी नहीं बनाया। एक बार मेरी जेठानी ने बनाया था, जो निखिल की मम्मी है उन्होंने बनाया था, लेकिन मैंने अपने हाथ से कभी नहीं बनाया। तो इसलिए इनकी हेल्प लेके आज मैं बना रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चलते हैं अब किचन में, शेयर करते हैं आपके साथ वो रेसिपी। तो जो मैं चावल के आटे की रेसिपी बना रही हूँ उसके साथ जो मसाला लगता है, तो ये वाला मैं बना रही हूँ। इसमें लिया है मैंने सफ़ेद तिल और भांग और भंगजीरा, ये हमारे यहाँ होता है। तो इसको मैं सबको भून लूँगी। और दो चार मैंने अखरोट लिए हैं, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो इनको मैं भूनती जाऊँगी। तो मेरे मायके में इस तरह से बनाते हैं मसाला, मेरे मायके में भी बनाते हैं ये चीज़ें, लेकिन कम। और ससुराल में बहुत ज़्यादा ही बनाते हैं और मीठा कम बनाते हैं, नमकीन ज़्यादा खाते हैं और मेरे मायके में मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो मायके में इस तरह से बनाते हैं। और ससुराल में सोयाबीन की दाल होती है, उनको भूनकर फिर पिसवा के फिर उसके साथ थोड़ा बहुत मीठा बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर नमकीन ही बनाते हैं। तो इसको मैंने पीस लिया इस तरह से और फिर मैं बाउल में निकाल लूँगी। थोड़ा सा मैं अलग निकाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड हैं उनको पसंद नहीं है मीठा, तो वो नमकीन खाएंगे, तो उनके लिए मैं नमकीन बनाऊँगी। और इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, अगर गुड़ होगा तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मुझे गुड़ नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने गुड़ नहीं डाला। थोड़ा सा मैं इसमें आटा डालूँगी भून कर, तो इससे थोड़ा मसाला भी बढ़ जाएगा और मसाले की वो टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। तो इसमें मैंने मसाले में आटा डाल दिया है, फिर मैं इसको मिलाती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी। तो मुझे इसका एक अच्छा सा डो बनाना था, तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। तो ये बन गया है। तो इसमें मैंने उबालने के लिए पानी रख, तो इसमें मैंने एक भगोने में पानी भर दिया है और इसको गर्म करना है बहुत, मतलब बिल्कुल ऐसे उबलना चाहिए पानी। तो अभी रखा है, उबलेगा तब मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी, वो चावल के आटे से बनता है। तो जब तक हमारा पानी उबलेगा तब तक मैंने चावल का आटा छान लिया था। और इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो पानी यहाँ गर्म हो चुका था, अब मैं इसमें चावल का आटा डाल दूंगी। तो पहले मैं इस भगोने को नीचे उतार रही हूँ क्योंकि ऊपर जब घुमाते हैं तो थोड़ा डर रहता है गिरने का। पानी बहुत गर्म था और हमने इसको नीचे उतार के फिर इसमें चावल का आटा डाल दिया है। तो थोड़ी देर ये चलाएंगे, फिर मैंने इनको बोला मुझे दे दो मैं भी चलाती हूँ। तो दोनों ने मिल बांट के कर लिया था और इसी में हेल्प लगती है इसको चलाने में, जब इसमें आटा डालते हैं उसके बाद तो अकेले में बना सकते हैं। तो थोड़ी देर हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर मैं आ गई थी, मैं इसको निकाल लिया है। और इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जितना हम हाथ से सहन कर सकें। फिर उसके बाद इसको अच्छे से गूंदना है जैसे आटा गूंदते हैं। तो मैं अब इसको गूंद के इकट्ठा कर दूंगी। तो ये मोमो के डब्बे हैं और इसमें जब हम बना के रखते हैं तो इसमें स्टीम देकर ही पकाते हैं इसको। तो इस तरह से बनाने हैं, दो दो लोइयों को ऐसे मतलब इसमें डालने के लिए बनाना है। तो मैंने इस तरह से बना दिया है और फिर मैं दोनों को इसमें भर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना इसमें डिज़ाइन डालते हैं मेरे मायके में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक उसमें मैंने डिज़ाइन डाला है, आगे वीडियो में ज़रूर देखना।
और इतने परफेक्ट मेरे से नहीं बनते हैं, मेरे सास जी और बहुत अच्छे से बनाते हैं, मैंने उनको बनाते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है बनाने की। उनके साथ ही मैंने बनाया है, कभी अकेले में नहीं बनाया, तो मैं यहाँ भी बना रही थी, कोशिश कर रही थी, और बल्कि मेरे से उतने परफेक्ट नहीं बने थे, मोटे बन गए थे मेरे से, और मेरे सास जी और पतले बनाते हैं और अच्छे भी बनते हैं, तो मेरे से ये बन गए थे। और फिर मैं इसमें तेल लगा रही हूँ, गांव में नींबू के पत्ते होते हैं, तो इसमें नींबू के पत्ते लगा के इसमें डाल देते हैं, तो मैंने तेल लगाया है ताकि ये चिपके ना। तो मैं कोशिश कर रही थी तीन आ जाएं, बहुत छोटे हैं मोमो के डब्बे, इसमें दो ही आते हैं, पर फिर मैंने एक रख दिया था, फिर डर भी ये था कहीं चिपके ना, लेकिन नहीं चिपके थे, निकल गए थे अच्छे से। अब मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, फिर उसके बाद पका के मैंने निकाल दिया था, और ये इस तरह से बन चुके थे। और ये देखो मैंने आपको काट के दिखाया है, तो इतने अच्छे नहीं बने थे, पर जैसे भी बने थे ठीक थे, इनको तो सबको पसंद आए थे। तो उसके बाद फिर बना रही थी मैं यहाँ फिर से, तो हमारे यहाँ ऐसे डिज़ाइन डालते हैं मेरे मायके में, और इतना अच्छा भी नहीं आ रहा था, मेरे भाभी और बहुत अच्छा डिज़ाइन डालते हैं, तो यहाँ मेरे बनकर रेडी हो चुके थे, और मैं निकाल रही थी बच्चों के लिए खाना। तो हमारे यहाँ इसको घी के साथ ही खाया जाता है, मायके में भी और ससुराल में भी। तो मैं घी निकाल रही हूँ और बच्चों को दे दूँगी। तो मेरी जो दूसरी जेठानी है, गांव में रहती है, उनका बेटा आया था और मेरी देवरानी का भतीजा आया था, मैं इनके लिए खाना लगा रही थी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, आज की वीडियो अच्छी लगी।